बड़ा सवाल है ना, तो आजकल ये सिंगर है काफ़ी फेमस है, काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, बिग बॉस में आए हैं। अरुण जी, हाँ हाँ, मैं एक बार भी देख पाया, लेकिन मेरे ख्याल से हम उनकी बात करें यही गलत बात है। इससे हम कितने छोटे हैं ये समझ में आता है। अनूप जी, हमारे आपके आपकी फैमिली में जब भजन होते होंगे तो उनको सुन के बड़े हुए हैं, हम भी बड़े हुए हैं उनको, हमारा क्या हक बनता है उनकी प्राइवेट लाइफ में बात करने का। वो एक से साथ अफेयर करे, छः के साथ करे, दस के साथ करे, हमारा क्या जाता है? हम कौन होते हैं उनकी बात को करे, तुमने ये क्यों किया, वो क्यों किया, हम कहाँ से बड़े सच्चे अच्छे हो गए? सो ये बात करना ही रॉन्ग है, और इस बारे में उनका मजाक उड़ाना या उनके बारे में मीम्स बनाना, उनके बारे में जो दिस कम्प्लीटली रॉन्ग, आई डोंट एग्री विद दैट एट ऑल। कि अनूप जलोटा जी का जलोटा निकल जाएगा, सिर्फ लोटा ही रह जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब वो ठीक तरह चल भी नहीं सकते तो कांड क्या करेंगे, है ना, कांड ही नहीं कर पाएगा इंसान तो लड़की कैसे रहेगी उनके पास। तो अरे ये थोड़ा नीचे तो रखो, तुम उधर मुँह कर क्यों हंस रहे हो, तुम मेरा कांड ना कर दो यहाँ। और अनूप जलोटा जी बहुत जल्दी विधवा हो जाएंगे, विधवा या रंडवा क्या बोलते हैं पता नहीं। नहीं यार देखिए, आप उधर छोड़ो मैम, यहाँ पे फोटो मैम मिलते से यहाँ पे कड़क कड़क क्रैश क्या हो गया भैया। अरे फ्लैश बिग बॉस इस साल का बहुत ही अच्छा है, बिग बॉस 12 इज सो अमेजिंग, और मैं डेफिनेटली बिग बॉस 12 में जाना चाहूँगी, और स्पेशली अनु जलोटा जी की जो गर्लफ्रेंड आई है, ओ माय गॉड, वो मेरे बचपन की दोस्त है, केसर मथारू की बेटी है, और जब मैं इंडस्ट्री में स्ट्रगल टाइम पे आई थी तो उनके डैडी ने एक फिल्म डायरेक्ट की थी, उसमें मैं लीड थी लफड़ा करके। तो केसर मथारू जी और जसलीन का मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है, और मुझे लगता है कि अनूप जलोटा जी का जलोटा निकल जाएगा, सिर्फ लोटा ही रह जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब वो ठीक तरह चल भी नहीं सकते तो कांड क्या करेंगे, है ना, कांड ही नहीं कर पाएगा इंसान तो लड़की कैसे रहेगी उनके पास। तो अरे ये थोड़ा नीचे तो रखो, तुम उधर मुँह कर क्यों हंस रहे हो, तुम मेरा कांड ना कर दो यहाँ। तो मुझे लगता है कि अनूप जलोटा जी कांड नहीं कर सकते तो गर्लफ्रेंड टिकेगी नहीं जसलीन, और जो बिग बॉस में दूसरे जो हैंडसम डूड लड़के हैं वो जसलीन को उड़ा ले जाएंगे और उनके साथ में उनका अफेयर हो जाएगा। मुझे तो तीन चार पुलिस वाले पे बहुत निगाह है मेरी, और जो बॉडी बॉडी जय जय शिव समथिंग, और दूसरे तो दो सुशांत और दूसरे तो दो मैरिड हैं, पर क्या आजकल दुनिया में क्या फ़र्क पड़ता है, एक घर में बीवी एक बाहर वाली, तो जसलीन को तो सब उड़ा के लेके जाने वाले हैं। और ऐसे भी मैं अपने इंस्टाग्राम जो राकेश सावन 2511 जो इंस्टाग्राम पे मैं रोज़ बिग बॉस के बारे में बोलती रहती हूँ, और अनूप जलोटा जी बहुत जल्दी विधवा हो जाएंगे, विधवा या रंडवा क्या बोलते हैं पता नहीं। नहीं नहीं केसर मथारू जी से मेरी बात हुई है, और कल हम राज ठाकरे जी के प्रोग्राम में जा रहे हैं बैंड्रा और गणपति विसर्जन के लिए, और मैंने कहा है कि ऐसा नकारा नहीं है, हाँ जसलीन और अनूप जी का बहुत अच्छा टाका भिड़ा हुआ है, और एक्चुअली क्या ना एक्चुअली मैं बताना चाहती हूँ कि अनूप जलोटा जी जो है उनको पहले से 3 बीवियाँ भाग गई, और ऐसा कौन सा कांड करते कि 3 बीवियाँ भाग गई, वो शायद कांड नहीं करते होंगे इसलिए भाग गई। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो हर यंग लड़की को पीछे जाते ही है, और हर लड़की से वो अफेयर करते हैं, और मैं सच कहती हूँ कि अनूप जलोटा जी अगर जसलीन चली जाए तो चिंता मत करना, मैं हूँ ना, मैं आपके साथ कांड करूँगी, चिंता ना करना, पूरा कांड। ओके या एक्चुअली क्या लोग आंखें डोनेट करते हैं ऐश्वर्या जी ने उनके डेथ के बाद आंखें डोनेट करी है, बहुत सारे लोग किडनी डोनेट करते हैं, कुछ लोग कुछ यू नो बॉडी में से बहुत सारे पार्ट डोनेट करते हैं। तो मैंने कहा कि मैं क्यों कुछ अलग चीज़ मतलब एक जैसी चीज़ करूं, तब मैंने सोचा कि मैं अपने बुब्स को डोनेट करूँगी,
Yeah, I have a nice boobs, so I thought that I will donate my boobs. And why not? देखो बहुत सारी cancer breast implant जो 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 cancer पीड़ित औरतें होती है, जो breast cancer होता है, तो कभी-कभी उनको वो breast निकाल दिया जाता है. आपको शायद पता नहीं होगा, but आप देखिए, तो तब उनका budget नहीं होता है कि वो ऐसा कुछ करें. क्योंकि हिंदुस्तानी लड़की राखी सावंत ने ऐसा बोला है, तो मुझे नहीं लगता इसका कोई हंगामा होना चाहिए. अगर यही बात किसी इंटरनेशनल लेडी ने बोली हुई तो आप लोग बोलते थे वाह वेरी नाइस, बट बिकॉज राखी सावंत ने बोला है तो क्या हुआ. हाँ, मैंने आई वॉन्ट टू डोनेट माई बूब्स, एंड मुझे ऐसा लगता है कि जीएलओ ने अपने हिप्स इम्प्लांट को यू नो इंश्योरेंस कराया है. मैंने अपने बूब्स को इंश्योरेंस कराया है, मैंने अपना पूरा इंश्योरेंस कराया है, तो व्हाई कांट आई.